को नेड जो है वो खड़काने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्रेड और उज़म बैक एंड के ऊपर क्रिप्टो उज़म और जॉनी एक ही एंगल के ऊपर मौजूद रहेंगे। बेहतरीन नेड, बेहतरीन नेड, एक और बेहतरीन नेड, अभी जो है वो नॉकडाउन जरूर हो जाएंगे, घुटनों के ऊपर जरूर आ जाएगा, लेकिन लुक एट दोस नेडिंग ट्रेल्स, ये बमबारी जरा आप चेक करिए। दिखाई दे रही थी मिड गेम की फाइट्स के अंदर, बट क्लियरली पूरी तरीके से यहां पे स्टारवुड ईस्पोर्ट्स आज एक फायर्ड अप मोड के अंदर हमको दिखाई देते हुए, दे जस्ट गेटिंग सम गुड गाइस, एंड लुक व्हाट इज दिस, वेनम लेजेंड्स विद अ स्लैम इन ऑन i8, क्रिप्टो होल्डिंग अप एन एंगल ओवर देयर, लेट्स सी सीन शॉट करते हुए यहां पे i8 के ऊपर क्या यूजम यहां पे डाउन होंगे, और इसी गेम को देखते रहो, यूजम देखते रहो, एंड सेकंड पे भी व्हाट इज दिस स्टील शॉट तो i8 के प्लेयर्स को यहां पे गिराते हुए क्रिप्टो को उन्होंने फ्राई पैन ने अलग चक्के गिरा दिया था। What is this happening over here? Now, man, look at this. ZUZ Esports rug में वापस यहाँ पे पूरी तरीके से गेम को कंट्रोल करते हुए ईस्टर्नेट से यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ज़िबियान लीड करते हुए चार्ज, किलर उनके सामने, वाइट ईस्पोर्ट्स की तरफ से गिविंग सम गुड डैमेज, बट ज़िबियान रुक नहीं रहे पूरी तरीके से। ज़िबियान ने अपने एक नेट द्वारा उनको यहाँ पे जिगल को भी अलग डाउन कर रखा था, बट देयर गोस बबलू डाउन, एंड वाइट ईस्पोर्ट्स के प्रवीण किसी तरीके से अपने दोनों नॉक प्लेयर्स के सामने मोमेंट को जरूर क्लच कर लिया है, बट दो मंगोलियन टीम्स के सामने अब तीन नेपाली प्लेयर्स यहाँ पे, I think the chicken is going Mongolia. तीन kills confirm कर चुके हैं DRS के ऊपर और 1v4 देखने को मिल सकता है, लेकिन vibes यहाँ पर आती है, vibes को यहाँ पर out of vibe किया जाता है टीम i8 की तरफ से, दो kills confirm किए जाते हैं इस वक्त टीम vibes के, और अब vibes का survive करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। killer यहाँ पर r3d को kill दे सकते हैं और वो शायद ये करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन टीम i8 विदाउट लूजिंग अ सिंगल प्लेयर यहाँ पर टीम वाइब्स की किल्स उठाती हुई नजर आई है। फिर से दो निशाने जरूर किए जाएंगे और उनको नॉक किया जाएगा, मिस्टर थापा इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, और A1ES की साइड की तरफ से उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। किल फीट के अंदर हर स्क्वाड की फाइट ही बनती हुई नजर आ रही है। i8 का स्क्वाड यहाँ पर नेड खेलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, टीम r3d के प्लेस की तरफ से ब्लेड को नेड जो है वो खड़काने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्लेड और उज़म बैक इनके ऊपर क्रिप्टो उज़म और जॉनी एक ही एंगल के ऊपर मौजूद रहेंगे। बेहतरीन नेड, बेहतरीन नेड, एक और बेहतरीन नेड, जो है वो नॉकडाउन जरूर हो जाएंगे, घुटनों के ऊपर जरूर आ जाएगा, लेकिन लुक एट दोस नेडिंग ट्रेल्स, ये बमबारी जरा आप चेक करिए, ऐसे लग रहा है किसी एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो बम फेंके जरूर जा रहे, लेकिन यहाँ पर i8 के उज़म एग्रेस करेंगे, गाड़ी के नीचे देने की जरूर कोशिश की जाएगी। r3d के जोकर को नॉकडाउन जरूर कर दिया जा चुका, हसन ओपी से लास्ट सर्वाइविंग प्ले, r3d के हसन को काफी ज्यादा लो कर दिया जाएगा, उज़म इज नॉकडाउन, हसन की तरफ से क्या ही बेहतरीन किस्म का नॉक निकाला जाता है, r3d के हसन की तरफ से क्या सामना कर पाएंगे, पर r3d के प्लेयर का i8 के प्लेयर्स एलिमिनेट करते हैं टीम r3d के प्लेयर को, r3d गेट्स एलिमिनेटेड, लेकिन भी यहां से आई थिंक सो मौजूद रहेगा, अभी तक रहेगा, मौजूद रहेगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड टीम i8 के स्क्वाड की तरफ से जा चुका, लेकिन जॉनी की तरफ से स्पॉट डाउन किया जाता है, सामने की तरफ से रिटेलिएशन फाइट निकल के सामने आता है, t2k के स्क्वाड के सर्कल के अंदर एग्रेस कर रहे हैं, t2k के स्क्वाड ने अपनी पोजीशन दे दी यहां पर, एग्जैक्टली जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये एक बैड मूव जरूर रहेगा, i8 का स्क्वाड को बक्सावा नहीं नजर आएगा, t2k के लेजेंड को टेक डाउन कर लिया जाएगा, t2k के फ्रैंकी सर्कल से बाहर आने की अगर कोशिश कर रहे हैं, जरूरत करते तो टीम i8 के स्क्वाड को एलिमिनेट किया जा सकता है, लेकिन टीम i8 के प्लेयर्स अगर थोड़ा सा ध्यान रखें नीचे की तरफ तो मेरे ख्याल से भरपूर तरीके से किल्स स्कोर कर सकते हैं, टीम किल्स एटलीस्ट सिक्योर कर सकती है ये टीम, अगर राइट साइड पे हाइट पर इनके प्लेयर्स चले जाते हैं, इजी 5 किल्स ऑफ अ टीम i8, वी कैन सी दैट, लेकिन यहां पर जॉनी के सामने आते हुए वाइब्स के जिगल, ओह माय गॉड, जिगल किल स्टील करते हैं, जिगल यहां पर बैकेट पर डैमेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी के साथ जॉनी की तरफ से ये किल भी कंफर्म, i8 विद 7 अमेजिंग किल्स, i8 की डोमिनेशन फिर से वापस आ चुकी है दोस्तों, बिल्कुल अलग है, लेकिन यहां पर क्या i8 का स्क्वाड वंस अगेन एक और चिकन डिनर लेकर जाते हुए नजर आएगा, लेकिन यहां पर i8 का स्क्वाड अपने आप को, लेकिन फिलहाल i8 के क्रिप्टो यहां पर एग्रेस करेंगे, m249 का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे, लेकिन यहां पर विजेस विद वाइब्स के प्लेयर्स को स्पॉट डाउन ही नहीं कर पाए, स्पॉट डाउन ही नहीं कर पाए, i8 के क्रिप्टो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, यहां पर विजेस विद वाइब्स का स्क्वाड मौजूद रहेगा, लेकिन i8 के क्रिप्टो टेक डाउन कर लिया जा चुका, दूसरे प्लेयर को भी टेक डाउन कर लिया जा चुका, विजेस विद वाइब्स सरप्राइज करते हुए जॉनी यहां पर एंड जरूर आएंगे, विजेस विद वाइब्स के एक आखिरी प्लेयर मौजूद रहते हैं, यहां पर क्रिप्टो बिल्कुल सामने की तरफ आएंगे, जॉनी सामने की तरफ आएंगे, जॉनी को एलिमिनेट किया जाता है, दूसरे प्लेयर भी एलिमिनेट हो जाते हैं, व्हाट हैज हैपेंड हियर, हुआ क्या यहां पर, नेड आई थिंक सो स्पैम किया जाता है बैक एंड से टीम सील की तरफ से, सील की तरफ से जाकी का नेट जाता है और एलिमिनेट किया जाता है यहां पर दोनों के दोनों स्क्वाड्स को, जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर निकाली जाती है दोनों के दोनों स्क्वाड्स की तरफ से, i8 गेट्स एलिमिनेटेड ऑन #6, लेकिन द बैड थिंग राइट नाउ
हैपनिंग विद टीम बब्लू इज की उनका एक प्लेयर वाइप आउट हो चुका है। मीनवाइल ए1 ईस्पोर्ट्स सेल 9 के ऊपर पुश करती है और उनको इस मैच से बाहर कर देती है। सेवन सीज जैसे एग्रेसिव स्क्वाड के सामने इस वक्त टीम क्लैरिटी आ चुकी है। दानी एक बुरी जगह पर आ जाएंगे, बुरी जगह पर आ जाएंगे, वैकेंट से बीमा स्पॉट कर सकते हैं दानी को। थापा भी वहां पर आते हुए, थापा यहाँ क्या करते हैं देखना पड़ेगा। थापा इस वक्त रोशन करते हुए वुल्फ के सामने जाते हुए वुल्फ के ऊपर नेट जाता है, वुल्फ यहाँ पर नोक हो सकते हैं, ग्रेनेड जाएगा वुल्फ के ऊपर और वुल्फ बच जाएंगे। लेकिन एवन स्पोर्ट्स बैकेंड से आती हुई रॉ वर्सेस एवन की फाइट बनती हुई सामने भी मौजूद। मीमो अगर हाइट पर आते हैं, मीमो को स्पॉट करके जाते हैं तो उसे एलिमिनेट करना काफी आसान बन जाएगा। मीनवाइल शॉल यहां पर नॉकडाउन होते हुए ब्ला 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 का किल भी कंफर्म किया जाएगा। रॉ यहां पर फेंटी खाती हुई आखिरी प्लेयर रॉ का रह जाएगा। 6 किल्स के साथ रॉ इज सर्वाइविंग, लेकिन वहीं पर सादा को इस मैच से बाहर किया जाएगा और रॉ इस मैच से बाहर हो जाती है। अगर बबलू इस सिचुएशन को सरवाइव कर लेती है, ऑल दे हैव टू डू इज स्टे इन दैट कंपाउंड, डोंट कम आउट, माय वर्ड्स, अगर बाहर नहीं आओ, इस सिचुएशन को सरवाइव कर लेती है, दे विल हैव द चिकन डिनर। मैं अपने यहाँ पर वो भी करने को तैयार हूँ, दस्तखत और अपना अंगूठा भी लगाने नहीं चाहिए अगर लेकिन मैं करने को तैयार हूँ, फिर भी तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन बाकियों को तो चाहिए ना भाई लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी का स्क्वाड अलादीन अगर यहाँ पर इस सिचुएशन को सरवाइव कर लेता, एक टीम उनके हाई ग्राउंड पे मौजूद है, एक टीम उनके बिल्कुल सामने मौजूद है और अगर वो एक भी टीम से फाइट लेते हैं वहां पर छोटी सी भी गलती की जाती है तो पिछली टीम उनको बख्शती भी नहीं नजर। क्लैरिटी सबसे बुरी जगह पे है इस वक्त। एग्जैक्टली सबसे बुरी जगह पे क्लैरिटी, जिस तरह से आपने कहा अभी। लेकिन मीमो का स्प्रे देखें यार आप, स्मूथ स्मूथ स्प्रे जाएगा, एवन स्पोर्ट्स के प्लेयर को नॉक करेगा। एवन स्पोर्ट्स अब जब वो उनको थोड़ा सा बैकफुट पर लाएगा, बट फिनिशर की तरफ से अगर वो रोटेट कर जाते हैं इस कर विकेट फॉर देम, लेकिन अगर वो क्लैरिटी की तरफ आते हैं इस कर भी प्रीटी बैड फॉर देम। लेकिन वहीं पर लकी टीम क्लैरिटी के जो प्लेयर उनको गेट कीप करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहां पर उसको उसका एंगल ही नहीं बनता, उसका एंगल ही नहीं बन सकता। सेवन सीज के थापा का एंगल ही नहीं बन रहा था और थापा अपनी पोजिशन चेंज करते हुए मीमो का एंगल भी नहीं बन रहा, मीमो को भी अपनी पोजिशन चेंज करनी पड़ेगी अब। और मीनवाइल यहां पर क्लैरिटी को एक मौका मिल सकता है कि वो सर्वे आ जाए, लेकिन एवन स्पोर्ट्स एक नाव को खाते हुए नजर आए कि सेवन सीज और एवन स्पोर्ट्स को आपस में फाइट लेना होगी। सर्कल यहां से मूव कर चुके, क्लैरिटी के लिए सर्कल माना एक बड़ी मुश्किल बन चुकी है, जो कि लेट्स सी क्लैरिटी यहां पर सॉल्व कर पाती है या नहीं। और मेरे ख्याल से जवाब इसका नाम नहीं होने वाला है क्योंकि फेयर आ रहा, लेकिन क्लैरिटी का स्क्वाड कैसे आखिर कैसे यहाँ से सर्वाइव करके निकलेगा। मॉलो स्पैम किए जा रहे क्लैरिटी के स्क्वाड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर ये यहाँ से सर्वाइव करके निकलते हैं आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह चिकन डिनर इन्हीं के बैकपैक में जाएगा। व्हाट अ स्प्रे, 69 बॉय की तरफ से बहुत अच्छा स्प्रे किया जाता है। 7C के मीमो की तरफ से क्लैरिटी के बुल्फ को टेक डाउन वन सेकंड किया जाएगा, लेकिन लेट्स सी क्लैरिटी का स्क्वाड कैसे वहां पर फायर बैक करता है। रिटालिएशन कैसे शो निकल कर आती है, पैरा के हैजर वहां पर नॉकडाउन करेंगे, इवन ही इसके दांते वहां पर 7C के मिस्टर थापा को नॉकडाउन जरूर कर देंगे, डब्ल्यूजीबी का डेल्टा पैरा के बेस को नॉकडाउन करेंगे। लेकिन क्लैरिटी को पुश करना है, क्लैरिटी को पुश करना है, ये वही वाला पुश है जो कि मैंने पीएमसी पीएमएनसी में करवाया था। लेकिन एक आखिरी प्लेयर बचा हुआ है, क्लैरिटी हैज टू पुश। क्लैरिटी को अंदाजा ही नहीं है कि थर्ड पार्टी की जद में आकर टीम सेवन सीज का स्क्वाड ऑलमोस्ट एनहाइलेट यहां पर हो चुका है। टीम क्लैरिटी एक ही कोने के अंदर छुपके जरूर बैठी हुई है। टीम क्लैरिटी अगर यहां पर एग्रेस करती है, ओ माय गॉड, प्लीज, यहां पर क्लैरिटी के वुल्फ नॉकडाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्क्वाड कर क्या रहा है आखिर, एक ही साइड के ऊपर फोकस जरूर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साइड के ऊपर फोकस करना जहां पर पूरा का पूरा स्क्वाड एनहाइलेट होने वाला था वहां पर क्लैरिटी अगर राशन करते थी, नेट आएगा उड़ता हुआ, नेट आएगा और यहां पर टीम सेवन सीज का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। नहीं जाना दानी वहां पर, नहीं जाना वहां पर, ऑलरेडी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज है। अगर ये वहां पर जाते हैं तो डब्ल्यूसीवी के डेल्टा यहां पर स्वाट डाउन करते हुए एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। टीम डब्ल्यूसीवी यहां पर सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। 1v3 सिचुएशन यहां पर, 1v1v3 सिचुएशन यहां पर बनती हुई है एंड गेस व्हाट, तीन बंदे यहां पर टीम क्लैरिटी के सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मेरे दस्तखत लेने के लिए यहां पर 1v3 सिचुएशन यहां पर बन जाती है मेरे को, मैं जा रहा हूं भाई। क्लैरिटी इजी चिकन मेरे को नहीं खेलने का, नॉट इजी एट ऑल। दानी यहां पर एड्रॉप, दिस वाज टोटली लक लक लक। ये जो नमाज दुआएं पड़ी है ना, ये उसकी वजह से ऐसे काम होते हैं भाई, ये मदद आती है अल्लाह की तरफ से। एंड वी हैव इट, बबलू ऑन द मिरामार कमिंग इन आवर हैंड वायर इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन क्लैरिटी बॉटल नहीं करते ना बस। इट्स अ 1v3 डॉट बॉटल दिस और डेल्टा के ऊपर पुश किया जाएगा दानी की तरफ से। दानी आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं, ही डजंट हैव दैट आइडिया कि डेल्टा लेफ्ट में मौजूद है। दानी इट्स अ 1v3 ब्रो, हमें पता लग चुका है, आपको भी पता लग जाना चाहिए। दानी राइट साइड पे स्काउट करने की कोशिश करें, विच इज आई बिलीव अनएक्सपेक्टेड, लेकिन 420 बॉय को आग लगाने की कोशिश की जाएगी। दानी डिफरेंट एंगल पर आ जाएंगे, डेल्टा सामने मौजूद, दानी यहाँ पर हील करना चाहते हैं, उनको हील करना चाहिए भी। और इस 1v3 सिचुएशन में लुक एट टीम क्लैरिटी, कितना ज्यादा वो प्रेशराइज्ड है,
जितना प्रेशराइज है वो, जितना हम है उतना वो है आदि, और लेट्स सी क्लैरिटी यहाँ पर ये चिकन कर पाती है या नहीं। आप देखें किस तरह से ज़िबान स्पेक्टेट कर रहे हैं, आप उनको कैमरा में देख सकते हैं टीन वुल्फ के ज़िबान यहाँ पर जो स्पेक्टेट कर रहे होंगे। वी मस्ट बी सेइंग डोंट पुश इट, क्लैरिटी इज व्हाट्स बबलू ओ सब्रामर हमारे सामने आता है। लुक एट टीन वुल्फ, लुक एट टीन वुल्फ, लुक एट टीन वुल्फ, या अल्लाह तेरा शुक्र कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा जरूर है कि कैसे हो गया ये हमें खुद नहीं पता और ये हम कहाँ आ गए। टील वुल्फ ने कहा मेरे कसम से गलती से हुआ ये, कसम से गलती कंफर्म करके टीम क्लैरिटी जो है वो क्वालिफाई करते हुए फॉर सुपर वीकेंड 3 किल्स के साथ चिकन निकाला गया। डिफेंसिव गेम लेकिन दैट वाज प्योर लक मौजूद रहे कि टीम I8 39 किल करके जाती है जो कि इस वक्त फोर्थ हाईएस्ट रहते हैं आदि, फोर्थ हाईएस्ट किल, फिफ्थ हाईएस्ट किल यहाँ पे जो इनके पास है, यानी कि पांचवी टीम जो है वो हाईएस्ट किल के साथ टीम I8 रहेगी। सो किल्स के डिपार्टमेंट में I8 काफी अच्छा खेली जरूर थी लेकिन वहीं पर पेस टू पे 11 पे रॉब मौजूद है, 12 पे जूस, 13 पे टीम सील लाइन, 14 पे टीम क्लैरिटी, 15 पे टीम हाई वोल्टेज, 16 पे पैराडॉक्स और लुक एट दिस वेनम लेजेंड्स क्वालिफाई नहीं करती आदि, 7 सीज क्वालिफाई नहीं करती, पीएनक्यू क्वालिफाई नहीं करता एंड आरएसपीडी इज ऑन 20th स्पॉट। Trying to tell you what to do, we're trying to play cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fucking around out your brain, no. I ain't trying to tell you. What